नमस्ते दोस्तों, आपने देखा होगा ऐसा ही एक वीडियो मैंने इंग्लिश भाषा में पेश किया था। सभी दोस्तों की रिक्वायरमेंट आई, ख्वाहिश आई कि इसे हिंदी भाषा में भी पेश किया जाए। उसी वीडियो को मैं हिंदी भाषा में पेश कर रहा हूँ। ये है हमारा एक कीटनाशक छिड़काव की मशीन, नैपसैक स्प्रेयर जिसको बोलते हैं, फॉर्च्यून एग्रो ब्रांड FAI 16। 16 लीटर की कैपेसिटी है इसकी और ये फॉर्च्यून एग्रो ब्रांड की मशीन है, बैटरी ऑपरेटेड। ब्रांड चाहे कोई भी हो, असेंबली प्रोसीजर सबका एक ही जैसा होगा। असेंबली मतलब कैसे इसको हम जोड़ें और उपयोग के लिए तैयार करें। ये अलग अलग पार्ट में आते हैं क्योंकि बॉक्स का साइज नहीं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और वो पार्ट डैमेज होने का भी खतरा रहेगा। अभी हम इसे बॉक्स को खाली कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा कैन जो है बाहर निकाल लिया है। 16 लीटर कैपेसिटी का कैन है, बॉक्स में से बाहर निकाला है। जो फॉर्च्यून एग्रो ब्रांड है, बहुत ही अच्छे ब्रांड है। साथ में हमें ये एक पाइप मिला है, साइड में हमारे रखा है एक टेलीस्कोपिक रॉड। अभी ये कैन का ढक्कन खोल के इसके अंदर का सामान निकाला जाएगा। अंदर हमारे क्या क्या निकलता है वो सब मैं आपको इंस्टॉलेशन के दौरान बताऊंगा। देखिए, एक एक करके सारे पार्ट्स निकाल लेने हैं हमें और इसके अंदर कोई भी पार्ट ऐसा नहीं छोड़ना है जो खुले में डला हुआ हो। सारे पार्ट्स हम बाहर निकाल रहे हैं पूरी तरह से। अंदर से वापस से एक बार हाथ डाल के देख लीजिएगा कि सब बाहर आ गया है ना। पूरी तरह से खाली कर लिया है हमने इसे। अब चूंकि ये खाली हो चुका है, ISO ब्रांड है, सर्टिफाइड कंपनी है, काफी अच्छा ब्रांड है फॉर्च्यून एग्रो करके। ये सारे पार्ट्स जो अलग है बॉक्स में से निकाल लिए हैं। पीछे ये बैटरी का कवर है, इस कवर को खोलेंगे आप पाएंगे एक बैटरी है, अंदर तक छूनी चाहिए। इसको दबा के एक बार टच कर लीजिएगा, नहीं तो लूज कॉन्टेक्ट रहेगा, काम नहीं करेगी। बंद कर दिया है। अब ये पूरी तरह से कैन खाली है, बैटरी इसमें लगी हुई है। आपको बाजार में ये मशीन कहीं भी करीब करीब 3,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। जो प्रिंटेड रेट होता है वो 5,000-5,500 रहता है, पर जो प्रिंटेड रेट है उससे काफी कम में मिल जाती है। अब हम एक एक करके इन सब पार्ट्स को कैसे मशीन पे इंस्टॉल करना है वो देखेंगे। ये देखिए, एक काले रंग की पाइप है जिसको हम इस तरह से यहाँ पे इस वाले छेद में हमें डालना है। काले रंग की जो पाइप है बड़ी वाली, उस काले रंग की बड़ी पाइप में एक छोटा सा ड्रिल किया हुआ, 4 mm तक का ड्रिल किया हुआ होल है। इस प्रकार से इसे हम अंदर करना है। अंदर करेंगे, आप पीछे की तरफ मशीन को उल्टा कीजिए, उल्टा करके ये काले रंग का ढक्कन है इसको खोलिए। देखिए, यहाँ पे जो गैप आपको नजर आ रहा है, इस गैप में से ये जो होल है यहाँ पे मैच करके इस होल को यहाँ तक ले आना है। जो वायर्स वगैरह है उसको थोड़ा साइड कर लेंगे। वायर्स को साइड करने के बाद अभी ये हमारे पास एक काले रंग का एक छोटा सा बुश है। इस बुश में अंदर की तरफ देखेंगे एक पॉइंट निकला हुआ है, ये पॉइंट उस होल के अंदर बैठ जाएगा पाइप के साथ। ये जो पॉइंट निकला हुआ है, ये देखिए, ये इसके अंदर जाके यहाँ पे हमने इसको बैठा देना है। इस तरह से ये यहाँ पे बैठ गया है। बैठने से क्या होगा, अब ये पाइप हमारा एक तरह से लॉक हो चुका है, पूरी तरह से लॉक हो गया है। वायर वगैरह सब बराबर है। अब ये जो ढक्कन था इसको वापस से बंद कर देना है। कैन के और ढक्कन के कवर पे मत जाइए, कलर पे मत जाइएगा, रंग कभी भी कोई भी हो सकता है। ये पाइप ऐसे आ गया है। अब ये एक सॉलिड रॉड है, करीब 10 mm डायामीटर की रॉड है जो इस पाइप को मशीन से जोड़ेगी। इसमें जेड शेप में बेंड किया हुआ है, एक छोटे वाला हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा है। देखिए, बड़ा बेंड है, एक छोटा बेंड है। जो छोटा सा बेंड है उस छोटे बेंड को हम नीचे की तरफ ले जाके इस तरह से करेंगे यहां से। और आप देख रहे हैं कि बड़े वाला बेंड जो है, बड़े बेंड को हमने इस ऊपर के प्रेशर पाइप में से यहां से निकाल लेना है। इसका क्या
काम है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए इस तरह से हमने इस बड़े पाइप को निकाल लेना है। इस छड़ में भी आप देख रहे हैं आगे एक 2 mm का छेद किया हुआ है। वीडियो लंबा है, किसी कारणवश ये वीडियो स्टॉप हो जाए तो मैं एक और वीडियो में आगे का कंटिन्यू करूंगा। अभी देखिए ये इस तरह से हमने इसको लगा दिया है। एक क्लिप, छोटे क्लिप एक कवर में आपको निकले रहेंगे, इस तरह के क्लिप है, वॉशर है। ये वॉशर आप इस तरह से डालेंगे, वॉशर डाल के ये जो छोटा क्लिप है, ये एस क्लिप है, क्लिप को फिट करके उसको दोनों तरफ से खोल देंगे तो ये इंटरलॉक हो जाता है। ये देखिए इस तरह से हमें खोल देना है। काफी सॉफ्ट होता है, हाथ से भी खोल सकते हैं। कटिंग प्लेयर जिसे हम प्लास कहते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरह से है, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ऊपर इस तरह से लॉक हो गया है। इसी तरह से हमें यह क्लिप नीचे भी डाल देना है। ये देखिए नीचे इस तरह से डाल के हमें इसे खोल देना है। ऐसे हम ये खोल दिए हैं, ये भी लॉक हो गया। अब ये पाइप वापस से बाहर नहीं निकलेगा। असल में देखा जाए तो ये बैटरी जब काम नहीं करे तो ये मैनुअल ऑपरेशन के लिए है। अभी ये हमने पाइप के साथ ये प्लास्टिक का बुश हैंडल लगा दिया है ऐसे करके। ये हमारी एक असेंबली रेडी हो चुकी है, तैयार हो गई है। ये पीछे एक कुशन पैड है जो आप पीछे की तरफ अगर लटकाते हैं काफी कुशन देगा। ये यहाँ पे जो है इस काले रंग के हमें ढक्कन को खोल देना है, बुश को खोल के ऊपर की तरफ लगा देना है, क्योंकि हमारी मशीन बैटरी ऑपरेटेड मशीन है। जो पानी का फ्लो होगा वो नीचे की तरफ से होगा। अगर बैटरी काम नहीं करेगी तब पानी का फ्लो ऊपर से काम करेगा, इसलिए अभी ऊपर के फ्लो को बंद कर देना है। अब समझे, नीचे वाले ढक्कन को हटा के ऊपर वाले ढक्कन में लगा देना। अब ये जो सिल्वर कलर का है ये हमारे रेगुलेटर का नॉब है, इसे यहाँ पे टाइट कर देना है। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है स्पीड कम ज्यादा करने के लिए, ये पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए है। इसी तरह से अब हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं, देखिए एक पानी का फिल्टर है। ये फिल्टर इसलिए है कि कोई मिट्टी ना जाए या कोई कूड़ा कोई डस्ट किसी तरह से पानी में ना जाए, तो इसको यहाँ पे रख के इसके बाद पानी भरेंगे तो साफ पानी अंदर जाएगा। या कोई भी आप कीटनाशक डाल रहे हैं उसमें कोई मिट्टी कोई ऐसी जाम होने वाली चीज ना। अब ये ढक्कन हम बंद कर देंगे। ढक्कन बंद करने के बाद हम ये पाइप लेंगे, पाइप का एक सिरा यहां से टाइट बंद करेंगे। देखिए कि टेढ़ा मेढ़ा ना जाए, नहीं तो लीकेज होने की संभावना रहेगी। इस तरह से हम इसे टाइट कर दे रहे हैं। जब यह चूड़ी सारी अंत तक चली जाएगी तो यह टाइट हो जाएगा, किसी भी तरह का लीकेज नहीं रहेगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पाइप है। साथ में हमारे को ये एक लिवर मिला हुआ है। लिवर में देखिए आप जिस डायरेक्शन में फोटे उसी डायरेक्शन में आप लॉक कीजिएगा। हैंडल नीचे की तरफ है, ये पाइप यहाँ पे बेंड है, चला गया इस तरह से ऊपर। अब इसको हमें टाइट कर देना है। ये आगे जाके पूरी तरह से टाइट हो जाएगा, टेढ़ा ना हो। टेढ़ा हो गया तो चूड़ी पे चूड़ी चढ़ जाएगी, फिर वो लीकेज होने की संभावना रहेगी। ये एक टेलीस्कोपिक रॉड है, ये ऊपर की तरफ हमें टाइट करना है इस तरह से। देख लीजिए ये स्टील का रहता है, ये ऊपर इसमें से लीवर में से टाइट हो जाएगा। आपको लगे लीकेज की संभावना है तो आप टेफ्लॉन टेप के साथ भी टाइट कर सकते हैं, या कोई पतला वो धागा लगाते हैं उससे भी टाइट कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। टाइट हमने इसे कर लिया है। अब टाइट करने के बाद ये देखिए इस तरह से, इसके साथ में ऊपर एक नोजल आता है और ये एक स्क्रू रहेगा जिसे टेलीस्कोप खोल के लंबा भी किया जा सकता है, इसलिए इसे टेलीस्कोपिक रॉड बोलते हैं। किंतु हम इसे लंबा ना ही करें, डैमेज होने की संभावना ज्यादा रहेगी। काफी बिना लंबा खींचे भी साइज काफी हद तक ठीक है, लेकिन अगर दूर तक करना हो तो आप इसे लंबा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं मैंने लंबा किया हुआ है, और इसको जितनी हमें जरूरत है उतना ही हम इस पाइप को आगे तक खींचे। अब आगे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक असेंबली है। इस तरह वाला जो नोजल आप लगाएंगे तो पानी की धार बहुत ज्यादा दूर तक जाएगी, पानी की धार काफी दूर तक जाएगी। और इसको घुमाने से, लेफ्ट राइट घुमाने से आप इसकी धार के प्रेशर की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं।
जैसे आप इसको टाइट करेंगे तो धार एकदम चौड़ी होके फवारे के जैसे हो जाएगी, लूज रखेंगे तो काफी दूर तक जाएगी। अब इसी तरह से इसको ऐसे कर रहे हैं, निकाला, देखिए ये पूरी असेंबली खुलती है, वॉशर वगैरह चेंज करना हो तो। यहां से अभी नीचे से इसको हम खोलेंगे, ये एक नोजल है जो हट गया। ये लंबी दूरी तक धार फेंकता है, करीब करीब 20 फीट तक आप इसकी धार को फेंक सकते हैं, पानी की धार 20 फीट तक जा सकती है। इसी मशीन के साथ और तरह तरह के हमारे को मिलते हैं, इस तरह का फ्लावर मिलता है, फूल मिलता है, जो इसको हम लगाएंगे तो ये दो धार ही फेंकेगा, लंबाई में दो धार जाएगी पानी की। एक ये है, चारों तरफ जैसे किसी पौधे पे डालना है तो फैलाव करके कीटनाशक छिड़केगा। और इसी तरह से और एक और तरह का है, आप जैसे इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे लगा के देखिएगा तो इस्तेमाल के समय आपको समझ आ जाएगा किसको किस काम के उपयोग में लाना है, उसी हिसाब से आप इसको काम में लीजिएगा। ये दो तरफ पानी छोड़ता है, यहाँ पे लगाएंगे तो पानी दो तरफ जाएगा, एक तरफ जाएगा, दूसरा फिर 6 इंच से 10 इंच छोड़ के जाएगा। ये पानी को एक फवारे की तरह छोड़ता है, ये भी पानी को एक फवारे की तरह छोड़ता है, बट हर एक का अलग अलग तरीका है। इस हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हैं। आपको लगे कि लीकेज हो रहा है तो कोई पतला धागा डाल के कवर भी कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं ये बाकी के क्या क्या पार्ट बचे हैं। देखिए इसमें कुछ वॉशर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, जब कभी लीकेज हो या कुछ हो तो आप चेंज कर सकते हैं वॉशर के लिए। इस पाइप को हमें चेक कर लेना है दोबारा से कि टाइट है ना। एक पिन थोड़ा, ये वॉशर हमारे पास जो बचे हैं आगे के काम के लिए है, ये वॉशर है, ये इस वाले ढक्कन में आता है। जैसे ये ढक्कन को खोलेंगे अंदर एक वॉशर होता है, ये एक एक्स्ट्रा वॉशर मशीन के साथ हमें अलग से मिलता है। ये हमारे पास कुशन बेल्ट है, अगर आप पीछे कंधे पे लटका रहे हैं, ज्यादा वजन नहीं होता है, 16 लीटर की कैपेसिटी है तो 13-14 किलो वजन होता है, बेल्ट को लगा के लटका के इसे काम कर सकते हैं। जैसे पौधों में डालना, किसान भाइयों को काम में लेना है ये मशीन तो पीछे से बेल्ट पे लगा के करेंगे। अगर आप अपनी गाड़ी, स्कूटर या गैरेज साफ कर रहे हैं या अपने ऑफिस के बाहर कुछ सफाई का काम कर रहे हैं तो आप मशीन को हैंडल से भी पकड़ सकते हैं या पीछे भी लटका सकते हैं, जैसा सहूलियत लगे उस तरह से इसको काम में लिया जा सकता है। ये एक छोटा सा कप है जिसमें आप कीटनाशक डालें या लाइजोल डाल रहे हैं, कोई भी दवाई मिला रहे हैं तो आप इसको मेजर करके कितना अनुपात में डालने के लिए मेजरमेंट है। अब हमारे पास ये एक साइड में इसको हैंडल को लॉक करके रखने के लिए नीले रंग का एक ये बुश दिया हुआ है जिसको हम साइड में फिट कर देंगे। ये देखिए साइड में जगह देख के इसे फिट करा जाएगा और फिट करके इसे बताया जाएगा। ऊपर का हमें ये नॉब केवल तभी खोलना है जब हम इस हमारी बैटरी का पावर खत्म हो जाए। आप देखिए बैटरी का पावर खत्म हो जाए और अगर चार्ज करने की सहूलियत नहीं हो तो ये पाइप के इस हिस्से को ऊपर लगा देना है और ऊपर वाले नोजल को नीचे फिट कर देना है। इसको हम यहाँ पे टाइटली फिट कर दे रहे हैं दोनों चीजों को, कहीं से कोई आगे पीछे हो आप देख लीजिएगा किसी भी हिसाब से, जैसे आपकी सहूलियत के हिसाब से इसको फिट किया जाए। इस मशीन में जब बैटरी काम नहीं करे तो मैनुअल ऑपरेशन है। मैनुअल ऑपरेशन मतलब बैटरी का स्विच बंद करके आप हाथों से अगर पंप करेंगे, जैसे कि हम ये काली छड़ को इंस्टॉल कर चुके हैं, हाथों से पंप करेंगे तो ऊपर जो पाइप है उसको ऊपर लगाना है और नीचे वाले को डमी कर देना है, मशीन में नीचे का पाइप ऊपर कर देना है, उससे क्या होगा ये हाथों से काम करेगा। किंतु जब हमारी मशीन बैटरी ऑपरेटेड है तो बेहतर होगा हम चार्ज करके दोबारा बैटरी मशीन को ही काम में लें। ये हमारा खोलने बंद करने का स्विच है, इसको खोलेंगे तो यहाँ लाइट जलेगी, एक आवाज सी आएगी भर करके, वाइब्रेशन होने की आवाज आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि पानी का फ्लो आ रहा है या चार्ज हो रहा है। पानी का फ्लो जब ही आएगा जब आप उस लीवर को दबाएंगे जो लाल रंग का लीवर दिया गया है, रेगुलेटर है पानी की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए।
इस तरह से। देखिए रेगुलेटर ऑफ हो जाएगा या ऑन ऑफ का स्विच रहेगा, ऐसे ऑन रेगुलेटर खोलेंगे तो यहाँ पे लाइट ऑन हो गई है, हमारी चार्जिंग शुरू हो गई है, मोटर शुरू हो गई है इस तरह से। अभी मोटर बंद हो गई है, ये चार्जर है, चार्जर को हमने खोला। देखिए 2 पिन चार्जर है, वायर थोड़ा छोटा है, आप कंप्यूटर का जो एडाप्टर होता है, स्पाइक होता है, वो यूज कर सकते हैं या कोई एक्सटेंशन वायर यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको इसे चार्जिंग में लगाना है, चार्जिंग में लगाने के बाद आप इसे आगे काम में लेंगे। उस तरह से करने के बाद हम इसे इसमें करना है, इसमें करने के बाद इसको कर देंगे। एडाप्टर को हमने लगाया, एडाप्टर को लगाने के बाद ये चार्जिंग शुरू करी जाएगी। चार्जिंग शुरू करेंगे तो देखिए आप कलर की लाइट आ रही है, जब चार्ज पूरा हो जाएगा तो ये लाइट का कलर चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये किया जाएगा। बाकी आप देखिए ये जो है चार्जिंग का वायर ढीला नहीं, इसको निकाल लिया है, देखिएगा किसी भी तरह से पानी अंदर ना जाए, पानी अंदर नहीं जाएगा तो ये बराबर क्षमता से काम करेगा। अब ये नोजल है, अलग अलग आप बदली करके देख सकते हैं कौन से नोजल को किस काम के लिए लेना है हमें। ये हमारा शावर वाला नोजल है, ब्रास का नोजल है, तरह तरह के नोजल हैं। आपको अधिकतर मैंने इसका काम करने का, उपयोग करने का तरीका समझा दिया है। भविष्य में जब आपको नहीं कुछ समझ में आए तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जैसा कि आपको बताया, अगर बैटरी खत्म हो जाती है तो यहाँ से ये काला पॉइंट हटा के पाइप को ऊपर में लगाना है। ऊपर में लगा के हमें इस तरह से इसको प्रेशर को ऊपर नीचे करना है, स्प्रे करते करते ये प्रेशर काम करना शुरू करेगा। जैसे हम इसको रॉड को आगे पीछे करेंगे, अभी आप देखिए इस तरह से ऐसे करेंगे, ये हो रहा है। तो ये बिना बैटरी के काम करेगा, जब ये बिना बैटरी के काम करेगा तो इसका फंक्शन ऐसे आगे बढ़ेगा। लीवर को प्रेस करेंगे जब लीवर काम करेगा, लीवर में ऑटो स्टॉपर भी दिया हुआ है, आप उसको सरका देंगे आगे रेड कलर लाल रंग वाले बटन को, तो ये पानी निकलता ही जाएगा। इस तरह की मशीन काफी उपयोगी रहती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, मशीन में काम पूरा होने के बाद, खास तौर से जब आप कोई कीटनाशक मिला रहे हो या दवाई मिला रहे हो या लाइजोल, मशीन को थोड़ा साफ करके ही रखें, नहीं तो अंदर जल लगने का खतरा बना रहेगा। सादा पानी है तो कोई बात नहीं, किंतु उसमें अगर आप कोई छिड़काव मिला रहे हैं, कीटनाशक मिला रहे हैं, तो आपको उसके अंदर मशीन की सफाई करनी जरूरी है। इस तरह से कोई भी आप दवाई वगैरह मिला सकते हैं या अपने अंदाज से बड़े गिलास से मिला सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, अगर आपको हिंदी में कुछ भी समझने में आपत्ति आ रही हो या तकलीफ आ रही हो, तो आप मेरा ये का ये ऐसा ही जो इंग्लिश वाला वीडियो है वो देख के समझिए। 16 लीटर की कैपेसिटी है, 15 लीटर तक हम पानी भरे यहाँ तक इस निशान तक, और कम जरूरत हो तो कम भरें। जैसे कि आपको एक स्कूटर या मोटरसाइकिल ही धोना है तो आधा भरें, किसान भाइयों को काम में लेना है तो किसान लोग अपनी खेतीबाड़ी के लिए पूरा भर सकते हैं, आपको एक गाड़ी की सफाई करनी है तो पूरा भर सकते हैं, छोटा सा ऑफिस के बाहर सुबह सुबह छिड़काव करना है तो आधे से भी थोड़ा कम भरेंगे तो आपके ऑफिस के बाहर का पूरा एरिया साफ हो जाएगा। इस तरह से आपको लीवर को दबा के साफ करना है। लीवर के आगे में जो लाल रंग का बटन है उसको नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये लीवर लॉक हो जाएगा और पानी आता ही रहेगा, नहीं तो लीवर दबाएंगे और जब छोड़ेंगे तो पानी का बहाव रुकेगा। इस तरह से ये मशीन का फंक्शन होता है। बटन को ऑन रखना है, जब काम हो जाए तब आपको मशीन ऑफ कर देनी है और रेगुलेटर ऑफ कर देना है। लीवर को दबा के देखिए, पानी नहीं आया इसका मतलब मशीन बंद हो चुकी है। ये हाथों से काम करने का है जब बैटरी काम नहीं कर रही हो, जब आपको किसी भी तरह से वाइब्रेशन नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तो समझिए चार्ज खत्म हो गया है। तो आप चार्जर लगा के वापस से 2 घंटा के लिए बैटरी चार्ज कीजिए। एक बार चार्ज करने के बाद बैटरी
आप 5 या 6 फुल टैंक तक स्प्रे कर सकते हैं। मतलब अगर आप 2 घंटा बैटरी चार्ज करते हैं तो 6 से 8 फुल टैंक आप स्प्रे कर सकते हैं, 6 से 8 फुल टैंक स्प्रे कर सकते हैं। अब ये ढक्कन के अंदर पूरा खाली होने के बाद एक फिल्टर है छोटा सा गोल सा, वो शायद मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा इस वीडियो में, उसमें से आपका पानी फिल्टर होकर बाहर निकलेगा। आप अंदर जब खोलेंगे तो आपको देखने से पता चल जाएगा। बाकी सारी चीजों का उपयोग मैंने आपको समझा दिया है, इस तरह से आपका पानी बाहर निकलेगा। ये चार्जर का जो प्लग है, ये हमारा चार्जर का पॉइंट है, और इस तरह से आगे पीछे करने से ये मैनुअल काम करता है। पीछे ये कुशन पैड है, बैटरी का कवर है। अगर किसी कारणवश आपको लगे काम नहीं कर रहा है तो कुशन कवर को खोल के देखिए, बैटरी अंदर तक टच है ना, नहीं तो जो बैटरी का कांटेक्ट पॉइंट है वहां से हिल जाएगा तो काम नहीं करेगा। कुशन पैड इसलिए पीठ पे ना लगे जब आप पीछे लगा के काम करें। और कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स हैं जो आप अलग से आगे के काम के लिए अपने पास रख लें। इस तरह से मशीन को बराबर मेंटेन करते रहिए, घड़ी घड़ी सफाई मेंटेन कीजिए। अगर आप कीटनाशक मिला रहे हैं तो मशीन का साफ रहना बहुत जरूरी है। आप जितना मेंटेन करेंगे मशीन उतना ज्यादा चलेगी। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं, यह मशीन हमारे पास भी उपलब्ध है, हम ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कोरियर से भेज सकते हैं। मशीन की कीमत हमारे से लेंगे तो 4,000 रुपये, बल्कि 3,500 से लेके 4,000 रुपये तक पड़ेगी, और हम कोशिश करेंगे कि आपसे कोरियर का पैसा भी ना लें। बहुत ही उम्दा और अच्छा क्वालिटी का मशीन है। ये देखिए इस तरह से, दोबारा से आपको मैंने ये नोजल लगा के दिखा दिया है, ये आगे आपका जा रहा है, आगे बढ़ा रहे हैं हम इसको, टेलीस्कोपिक रॉड इसका आगे बढ़ रहा है। तो आगे जाने के बाद ये इस तरह से रॉड को आपको रखना है, कहीं भी पूरे भारतवर्ष में मशीन हम आपको भेज सकते हैं 3,500 रुपये से लेके 4,000 रुपये की कीमत में, जिसमें कोरियर का चार्ज भी इंक्लूड होगा। आप अपना एड्रेस हमें दे सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8754444400। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भेजिए अपना ऑर्डर, हम 2 से 3 दिन में आपको मशीन भेज सकते हैं आपकी पेमेंट मिलने के बाद। ये बाकी के स्पेयर पार्ट्स है, फ्लावर्स है, चार्जर रखा है, जो स्प्रे के नोजल है वो रखे हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। आपको किसी भी तरह से यदि हिंदी वाला नहीं समझ आए तो इंग्लिश वाला वीडियो देखिए। ये और एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो है, 2 लीटर का स्प्रे पंप है, ये देखिए इस तरह से इसको छोटे काम के लिए। इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 150 से 200 रुपये होती है। अगर आप मशीन ऑर्डर करते हैं तो यह स्प्रे पंप भी आप ले सकते हैं साथ में, अगर मिल रहा होगा, स्टॉक में होगा तो, नहीं तो किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। पर यह छोटे कामों के लिए, इसमें इतना प्रेशर नहीं आएगा, इस तरह से ये प्रेशर देके काम कर सकते हैं इस मशीन स्प्रे पंप से। ये देखिए हमने इसे बंद कर दिया है, ऊपर से प्रेशर भरा है, जैसे स्टोव में आप प्रेशर भरते हैं उस तरह से ये काम करेगा। काम करके इसको हम अभी यहाँ पे लगा दिए तो पानी आने में टाइम पे, ये इस तरह से जब हमने इसे किया है तो यहाँ पे पानी का प्रेशर भाव आप देख सकते हैं किस तरह से निकलेगा। मशीन आपकी बहुत ही अच्छी है, फॉर्च्यून एग्रो ब्रांड की कंपनी है, पीले रंग की मशीन जो आपको बताई, 16 लीटर की बैटरी ऑपरेटेड। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हमारे से मंगवा सकते हैं। कमेंट कीजिए मेरे नंबर पे, आप व्हाट्सएप कीजिए अपना ऑर्डर, और जीपे पेटीएम से आप पेमेंट भर सकते हैं। 4,000 रुपये के अंदर अंदर में यह मशीन आपको घर बैठे मिल सकती है। मोबाइल नंबर है 8754444400। धन्यवाद दोस्तों। हाँ राजा, हाँ राजा।